कभी सोचा है कि आपकी पसंदीदा बर्गर, पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकते हैं? अगर नहीं तो आज आप चौंक जाएंगे, क्योंकि WHO की हालिया रिपोर्ट ने सबको हिला कर रख दिया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जो ट्रेंड चल रहा है, उसने सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान नहीं बनाया बल्कि हमारी सेहत को भी खतरे में डाल दिया। चलिए जानते हैं कि कैसे जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हमारे खाने की आदतों को बदलकर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। आजकल जब भी हमारा मन होता है, हम बस एक क्लिक पर अपना पसंदीदा फूड ऑर्डर कर लेते हैं। जोमैटो, स्विगी और इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स ने हमारे जिंदगी में बहुत सुविधा ला दी, लेकिन यही सुविधा हमारी सेहत को भारी पड़ रही है। फास्ट फूड्स का स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बर्गर और पिज्जा आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? WHO की रिपोर्ट कहती है कि फास्ट फूड का सेवन बढ़ने से लोगों की मौत की दर भी बढ़ोतरी हुई है। यह खाना अक्सर हाई कैलोरी, शुगर और फैट से भरा होता है। इनकी अधिक मात्रा हमारे शरीर में मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग जैसे गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। क्या आपको पता है कि ये फूड्स हमारे शरीर के भीतर कैसे कहर बरपाते हैं? ये आपके खून में शुगर और चर्बी की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे आपका सर्कुलेशन खराब होता है और आपको विभिन्न समस्याएं होती हैं जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। जोमैटो और स्विगी एक नई तरह की चुनौती है। जोमैटो और स्विगी ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी को बेहद आसान बना दिया है, लेकिन इनके जरिए ऑर्डर किए गए फूड्स अक्सर हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, जिनमें उच्च मात्रा में ट्रांस फैट, शुगर और नमक होता है। इनसे आपका स्वास्थ्य न केवल प्रभावित होता है, बल्कि ये लंबी अवधि में गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, इन फूड्स में पाए जाने वाले केमिकल्स और एडिटिव्स आपके शरीर में धीरे धीरे जमा हो सकते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। वहीं अगर घर का खाना भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, आपको ये बता दें, अब आप सोच रहे होंगे कि घर का खाना ज्यादा सुरक्षित हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पूरी तरह सही नहीं है। घर का खाना भी हमेशा शुद्ध नहीं होता। बाजार से बिकने वाली सब्जियां और अनाजों में अक्सर फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के अवशेष होते हैं। अगर इन्हें ठीक से धोया और पकाया नहीं गया तो ये रसायन हमारे शरीर में जाकर हमें बीमार कर सकते हैं। चलिए अब सुरक्षित खाने के टिप्स के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है स्वास्थ्य वर्ग। ऑनलाइन ऑर्डर करते समय हेल्दी ऑप्शंस पर ध्यान दें, जैसे कि ग्रिल्ड ब्रेड या स्टीम्ड आइटम्स, ट्रांस फैट और शुगर की मात्रा कम करने वाले ऑप्शंस। सेकेंड है खाना ठीक से तैयार करें। घर पर खाना बनाते समय सब्जियों और फलों को अच्छे से धोएं और पकाते समय सही तापमान का ध्यान रखें। इससे आप किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया और रसायनों को खत्म कर सकते हैं। वहीं स्वच्छता पर ध्यान दें। जब भी बाहर से खाना मंगाएं, रेस्टोरेंट की स्वच्छता और उनकी रेटिंग्स का भी जांच करें। क्लीन एंड रेपुटेबल रेस्टोरेंट्स एंश्योर सेफर फूड। वहीं चौथे पॉइंट की बात करें तो खाने की मात्रा पर नियंत्रण रखें। बाहर का खाना कम से कम ऑर्डर करें और घर पर पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं। अपनी डाइट में विभिन्न प्रकार के फूड्स शामिल करें ताकि शरीर को सभी आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स मिल सके। वहीं क्या करें जब बाहर से खाना मंगाएं, तो हम आपको बता दें, जब आप बाहर से खाना ऑर्डर करें तो कोशिश करें कि आप उन रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें जो स्वच्छ और प्रतिष्ठित हो। इन रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन किया जाता है, जिससे आपकी सेहत को कम से कम खतरा होता है। साथ ही अपने द्वारा मंगाए गए फूड्स को खाने से पहले अच्छे से गर्म करें ताकि किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस मर सके। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कॉमेंट में लिख सकते हैं।